हमारा बार बार कही है यहाँ जितना लोग जुटल है कह सकल हमारा उम्र पार भ गया है दस बच्चे पांच बच्चे बाद यहाँ में से जितना लोग दो चार गो ना रह लड़ाई लगो आगू बटे जो नुनू गिला नुनी गिला कोई लेके बैसल है एखनी के लड़ाई एकदानी किना करतो ताकि तुमनी के जब भले तुमनी तो ससैया से कतना झगड़ा हलाय मरे लागलो तखन काने काने कहि के गेलो फल्ला कहता मैं दू गोर खेच ले गोबर बेसी दी कि तोरा कम से कम खेत दे के गेलो चल रहा कोई की नहीं के टाइगर तक चल रहा ठीक है अपन टाइगर तक चल रहा मत दुनिया के की दे के जमीन ओनी गजब की लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लागो दादी साहब एक बात सुन ले ये लड़ाई हमनी के नहीं लागो हमनी अपन उम्र काट ले रहा जितना जिंदगी देखे गलो आधा देख ले रहा मेला भी देख ले रहा ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लागो जरा कोरवाइन में लेके आए ला तो सह खातिर एक अगर बचाना हो झारखंड के चुके आज देख सकल कहीं चल जाए हर तरफ झारखंड में न्याय हो रहा है पॉइंट जहां जा सकल अभी दादा उषा मार्टिन हमें कहलो ना उषा मार्टिन रो चाहे डेमियन मार्टिन रो उषा मार्टिन रहे चाहे डेमियन मार्टिन रहे डेनियल मार्टिन सॉरी नहीं वो डेनियल मार्टिन वाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वन सॉरी टू डाउन बैटिंग करके पॉइंटिंग के बाद आवाज उषा मार्टिन रहे चाहे डेनियल मार्टिन रहे तो नहीं दो गो सन से 24 में दे अगर गर्दन मैच चिप के रख लियो तो नहीं दोबारा ग्राउंड में नहीं इधर हमने बचन रहा है जियो दादा जियो हमने के डर भय नहीं लगा ला हमने कोई डर भय नहीं लगा दो हमने 14 बार अपन 14 का तो बहुत दूर की बात हो दो को मने इस भीड़ में से हमने कोई दो को नया लड़का पक्का है 2024 में सारा इंतजाम ले थोड़ी तैयार है ना तैयार है वोट के माने बुझा ले वोट यानी सबसे सुंदर श्रृंगार दीदी साहब धोनी अभी पाउडर लगाए के लिए है ना सुंदर श्रृंगार नखाओ ई श्रृंगार दुए घंटा में खत्म भ गलो लिपस्टिकिया पाउडरा कदरा दो घंटा में सिलाई दी तो सबसे सुंदर श्रृंगार हो जब तो अपन अंगरिया में ब्लू रंग के स्याही लगाई के फोटवा दही अपन से पर आने वाला पीढ़ी के उद्धार के बात कर चाहे ई एप के बात कर इस 50 साल 40 साल पुराना बात लगे कि नहीं यदि कोई अगर अच्छा नेता चुनवी तो अच्छी से की उद्धार बताए और मैदान के उद्धार बताए कि फैक्ट्रियों के उद्धार बताए खातिर आज वोट के मतलब सबके बुझे तो आज वोट के ताकत सबके समझे तो बिना वोट के ताकत के इस राज्य में बदलाव नहीं आ सकल है वह खातिर आज सब हमिया जुटले हैं आज सबसे पहला सवाल चूंकि सबसे पहले एमपी के चुनाव हुए जब मैं संजय सिंह जोड़ ले हूँ संजय सिंह कितना दे ले रहा है बता कहाँ से लो जब एक बित्ता जमीन नहीं गया है कोई योजना में कोई परियोजना में आज संजय सिंह यहाँ के सांसद तो सबसे पहले रांची राजधानी यहीं से बदलाव की शुरुआत करी है दिल्ली में पहला सवाल देश के प्रधानमंत्री से बताए अच्छा तो हम क्या आज क्योंकि हमने के पास दिल्ली में एक अच्छा लीडर ना होने के कारण हमने एक साथ अपने आए थे वो तो हमने क्या बताए थे अच्छा बताओ सेव कहाँ मिला है सेव कश्मीर में अच्छा एक बात बताओ कश्मीर में सेव के रेट क्या है की है या झारखंड में सेव के रेट बराबर है नहीं है क्योंकि कश्मीर के सेव झारखंड तक गले तो खर्चा भले अब बताओ संतरा कहाँ मिला है नागपुर में यही नागपुर में जो संतरा का रेट है कि झारखंड में भी रेट है ना है झारखंड में महंगा है नारियल कहाँ मिला है केरल में तमिलनाडु में पूरा इंडिया में को झारखंड के कोई ला के रेट पूरा इंडिया में को कितना बेशरम लीडर हम उस रेट में झारखंड में नहीं मिलता है नागपुर के संतरा उसी रेट तो झारखंड सबके ठीका ले लेगी झारखंड के कोयला के रेट पूरा इंडिया में के इतना अन्याय हम निक साथ इतना बेईमानी हम निक साथ सही खाते बोल लियो अपने राक्षस से भी बुरा आदमी आज सारा हिसाब दिल्ली से लेना है सारा हिसाब राजधानी से लेना है कि आज हमने की नए
दिखाई देंगे। आज हम एक झटका में 9000 एकड़ जमीन एचसीसी में, केतलसुद डैम में 56 गांव विस्थापन, चांडिल डैम में 116 गांव विस्थापन, बिन्ना लेक में भी लगभग 50 गांव विस्थापन, हजारों हजार एकड़ जमीन हमने विकास के नाम पे दे देंगे। हजारों हजार लोग हमारे कत्ल भय गए राज्य के बनाए खातिर। और अगर दिल्ली में राजधानी में अगर हम चर्चा ना जाता तो बहुत शर्म के बात है, बहुत धिक्कार के बात है। आज यही लड़ाई है, यहाँ मीडिया के लोग आए हतो। आज मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के सम्मान करते हुए मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अभी भारत में इंडिया और भारत भी चल रहा है, क्योंकि लड़ाई लड़े लोकलिटी के। सबसे पहला बात, अरे हम आपको यहाँ से बैठ कर या स्कॉर्पियो की छत को सीना ठोक के बोलते हैं, झारखंड में नहीं, में किसी भी इतिहासकार से डिबेट कराइए कि भारत का शासक और इंडिया का शासक का नाम बताइए। भारत का कभी कोई शासक नहीं रहा है मेरे साथी, न इंडिया का शासक रहा है। भारत हमेशा स्थानीय रहा है, भारत एक भावना रहा है, भारत एक सीमा रहा है, लेकिन शासक कभी देश का नहीं रहा है। तो नक्शा शासक का नाम दिखाइए। यानी हमेशा लोकलिटी मुद्दा रहा है, स्थानीयता हमेशा मुद्दा रहा है। चलिए हम बुद्ध के काल से शुरू करते हैं। 16 महाजनपद, 16 राजा अलग अलग, यानी 16 प्रकार की भाषा, 16 प्रकार की भावना, 16 प्रकार का रहन सहन था कि नहीं। 16 महाजनपद बुद्ध काल में, जानते हैं ना, पढ़े लिखे लोग बता देते हैं, गिना भी देते हैं। अंग, अवंती, असाका, मगध, मल, काशी, कुरु, कौशाम्बी, कौशल, पांचाल, गांधार, सुरसेन, छेदी। सुन लो भाई, गल नहीं दूंगा, वाचल है बस बज्जी। भारत इसीलिए पहले बोल देते हैं, भारत कभी एक नहीं था, कभी भारत में एक शासक नहीं था। चलिए धार्मिक ग्रंथ का बात करते हैं। मद्र नरेश, मथुरा नरेश, मिथिला नरेश, चंपा नरेश, काशी नरेश, भारत का नरेश कभी नहीं था मेरे साथी। पूरे भारत को बोलिए, हम पूरे भारत के इतिहासकारों से डिबेट करेंगे। भारत कभी भारत में एक नहीं था, यानी भारत की यही खूबसूरती है, अनेकताओं में एकता, विविधताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कभी भारत एक नहीं था, कभी नहीं था, कभी नहीं, कभी एक शासक नहीं था, कभी एक भाषा नहीं था इस देश का, कभी नहीं था, हर एक भगवान नहीं था इस देश का। मैं हिंदुजम की बात करता हूं ना, उत्तर भारत में हिंदुजम जिसको कृष्णा बोलते हैं, दक्षिण में उसको अयप्पा बोला जाता है। स्थानीयता के मुद्दे में हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं पढ़ पढ़ के कि पूरे भारत के सामने डिबेट करने के लिए तैयार हैं। बुलाइए किसी नेशनल न्यूज। जब 16 को महाजनपद एग्जिस्ट हो सकता है तो झारखंड का राणभूम भी एग्जिस्ट होगा, और उसको स्थानीयता के आधार पे अधिकार देना होगा। उनसे पूछिएगा, अंग्रेजों ने भी कभी भारत पर कब्जा पूरा नहीं किया है। गोवा में किसका कब्जा था? फ्रांस का, फ्रांस है। पुडुचेरी में किसका था? पुर्तगाल का। अंग्रेजों ने भी एक कोना ही कहे नहीं छूटा है, लेकिन छूटा जो एक 1954 में और एक 1961 में आजाद हुआ है, ये तो जानकारी आपको होगी। फ्रांस और पुर्तगाल 1954 है, आगे पीछे हम बोले हम। इसलिए आज यह स्थानीयता की लड़ाई है। आज अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भीख भी नसीब नहीं है। इसलिए आज हर एक झारखंडी को अपने दर्द, अपने पीड़ा, अपने तकलीफों को कोने में रखकर आज अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, आज अपने अधिकार को बुलंद करना होगा, क्योंकि यह लड़ाई आने वाले भविष्य की है। आज यही बंगाल है, यह मोगल बंगाल है, ये दीरा कहां जाए लगला, धनबाद जाए।
धार पहुंचा रखो तुको थाम थीर करी बैसा ना कहल गया है ना कि थीर पानी पत्थर काटे दादी बस हाँ करिया लुगा वाली दादी लाल लुगा बैठ बॉय दादी बस ये अपना मत लो जो हम पर भैंसुर ना लगे आराम से बोल लगे यार देश के प्रधानमंत्री के सभा थोड़ी लगे थोड़ी चल जाएगी टाइगर के लगे बैठाएगा राखो के सामने आइडिया है यो टाइगर धोनी के बैठाए कैसे रखने वाला आइडिया है दादी भूख लगे लोकी तो पुतैया के फोन गिर नहीं पुतैया के फोन गिर नहीं के बनाए के रख तो सभी लाइक कमेंट शेयर करो आज अब थोड़ा सा क्योंकि हमने लड़ाई हले 1932 जब भी कोई स्टेट बना है सबसे पहले आज ना फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट खड़ा है आज एक बात बताओ जब भी फुटबॉल के एक नियम बना रहे जर्सी बूट रेफरी घड़ी सीटी नियम बना है यानी फुटबॉल के खेल भी व्यवहार तो नियम से अरे अपना तो छोड़िए 5 मिनट का जो पेनल्टी का खेल होता है उसमें भी नियम होता है ना 5 मिनट का पेनल्टी का खेल में नियम होता है इतना बड़ा झारखंड 24 को जिला लगभग 263-264 को प्रखंड 45 को अनुमंडल और लगभग 32,000 गांव बिना नियम के चल रहा है कोई नियम ना कि झारखंडी कौन है यहाँ कोई तंबू गाड़ दे तो झारखंडी जंगल भूमि में कब्जा कर ले तो झारखंडी नदियोंधारी कब्जा करे तो झारखंडी तो सर्वाधिक हजारों साल से रहा हाल उखी लागे लालखंडी यही तो किया है आज यहाँ के लोगों को जमीन नहीं देने के कारण लालखंडी को हम लोग नक्सल बोलते हैं इन लोग को जमीन चाहिए किसको न टाटा को चाहिए उषा मार्टिन को चाहिए वेदांता को चाहिए बिरला को चाहिए इनको जमीन नहीं दीजिएगा आपको नक्सली बना के मार देगा के लिए हमें दिल्ली में कदम रखना होगा क्योंकि आज आपकी बात जिस ग्राउंड में लोग सुन रहे हैं दिल्ली को भी सुनना होगा दिल्ली को भी सुनना होगा हमारी दर्द हमारी पीड़ा हमारी चित्कार को हमारे अन्याय को हमारे साथ हुए शोषण को क्योंकि झारखंड हमें गिफ्ट में नहीं मिला झारखंड हमारा नहीं दहेज में नहीं पा रहे हैं झारखंड हमारा नहीं मूड़ी कटाई के कपार फटाई के गते चाम छलाई के तबे झारखंड हमारा नहीं पाएंगे शेख हतीर एक लाइन कहबो हम क्या आज देखिए सकल यहाँ शासन और प्रशासन कोई भी राज्य अगर सुंदर बनाना हो तो शासन और प्रशासन के रोल होना चाहिए आज शासन और प्रशासन यानी जो आईएएस आईपीएस सेक्रेटरी डीओ हमारा भ्रष्ट हो पूजा सिंगल देख ले कर लाभ 25 करोड़ नहीं छवि रंजन आईएएस ये लॉक किला केवल झारखंड के लूटे ले लाते तो सबसे पहले हमी के शासन के ठीक करेगा है यदि हमरा नहीं शासन यानी सरकार के ठीक करी लला इन नेता गिला के मौजा रानी के ठीक करी लला आप शासन क्योंकि शासन को बदलना जनता का काम है आज हम विनती करेंगे आप शासन को बदलिए प्रशासन को बदलने का जिम्मा हमारा रहेगा क्योंकि मौत से सबका डर लगता है काहे नहीं भाई जब हम ये बड़का बड़का चौकदारी सारे मनुष्य के नियम राय दिलाए तो अगला बदला कब लेगा नाम सुन रहा तो टाटा थर थरा हल
में सबसे ज्यादा फुटानी और बेईमानी है तो टाटा के हम खुलासा है। टाटा नगर निगम नहीं है मीडिया के साथियों, बताना चाहेंगे कहे नगर निगम नहीं है, जब रांची नगर निगम, बोकारो नगर निगम, धनबाद नगर नगर निगम तो ऐसा नियम पिहलाए कि टाटा थर थर का पहन। लेकिन अखनी प्लानिंग करके सभी ऊपर से नीचे सभी प्लानिंग करके मारल थी। कहे पता हो, हम पहले ही कहलियो कि दिल्ली तक गए बहुत दम मिलतो, वो मानुष तो दिल्ली गए एमपी बनल हलै। 7 दिन बाद सुनील दादा सुने न, चूंकि हमी 2007 में छठा सातवा क्लास में हलिए, लोके कहा हलै वो कोयला मंत्री बन गए। हाँ सुने मैले, पता नहीं कितना सच्चाई लगे, गाने लोके कहा थी क्योंकि हमें छठा सातवा हलिए कि सुनील दादा मात्र 7 दिन के अंदर यूपीए गठबंधन के तहत झारखंड जेएमएम का कोटा से दिल्ली में कोयला मंत्री बनते हैं। और जब ही वो कोयला मंत्री बनता है जितना आप इन कोयला चो क्वेटे में एक नंबर करा देते हैं। अरे लोग राति देखने डर लगे, सुनील दा अगर 12 बजे दिन डरा जीत लें ना तो माफिया के लिए क्वेटे में एक नंबर करते हैं। तो मारे कारण बहुत कारण बने, लेकिन ओकर में हटे कारण लगा कोयला मंत्री, तो कोयला का तो हम लोग को सबको क्या कि माफियाओं का बाप है। अरे सुने जब सुनील महतो का मर्डर हुआ था, पूछिएगा दम दना के गोली चला था, शख्स नीचे गिर गया, लोग बोलते फिर से उठ के खड़ा हुआ था, यानी गोली में भी दम नहीं था कि आसानी से उस शख्स को मार सके। जो लोग वहां प्रत्यक्ष में खड़ा थे वो लोग बताते हैं कि जब गोली की बौछार हुई सुनील दा जमीन में पटक गए, पटका गए, कुछ देर जमीन में गिर के रहे, फिर उठ के खड़ा हुए कि मारना है तो सीने में मारो ना। अभी हम लोग भी आज मैं पूरे होश आवास में, क्योंकि हम लोग भी अभी नया नया लड़का है, लोगों को लगता है लड़का लोग को जान पहचान बन जाएगा, नेता होता बन जाएगा, घर गृहस्थी बना लेगा। आज खुले मंच में कहेंगे हम लोग नयन से नयन मिलाने और ब्याह शादी करने नहीं आए हैं, सुनील दादा की हत्या का 2024 में बदला लेने आए हैं। एफसीसी से लेकर टाटा में जहां जहां हमारे लोग विस्थापित हुए हैं सारा इंतकाम लेने आए हैं। राजधानी से, देश की राज्य की राजधानी से अभ्रक राजधानी और कोयला राजधानी तक जहां नाइंसाफी हुआ है सबका हिसाब करने आए हैं। इसलिए आप तोरा उम्मीद करिया और उम्मीद कर सकल आज इतना कुछ हेलबाद नहीं खड़ा हो। आज जितना भी माफिया हुआ हमारे नाम के चर्चा शुरू भय गया है, जितना भी नेता दू नंबरी नेता ओकर ऑफिस में हमारे चर्चा शुरू भय गया है, किस लड़का को कंट्रोल कीजिए क्योंकि ये तो तेज और फिरका नहीं है, जिसको भाषण देता उसको तेज बना देता है। देखे कल्हा ग्रामा में कोई जिला अध्यक्ष लग रहे जय भी लगे हमें नाम लेके कहे मुंह खराब कर दे। हाँ रामगढ़ वाला सवाल है ना, रामगढ़िया तो मैं हमें से बैठे खोज तो ठीक है, वो जैसे लगे झारखंडी लगे बड़ भाई लगे होगा हमें पर गौड़ लाई ले बात चुनौती दे रहे हैं। सुन लिया सबसे ज्यादा टाटा वो कोयला ही कमाई है, सीसीएल बगल में है, टाटा प्राइवेट सेक्टर लगे, सीसीएल कोल इंडिया सेक्टर लगे, वो यदि हमारे से बैठे खो जाए डिबेट कर ले वो टाटा कोयला से कमाई है। सब बॉडी गार्ड सुने मुख्यमंत्री न कहे तो कहा है पता नहीं दमा दे कह तो अकेले रामगढ़ के जितना साथी है वो जिला अध्यक्ष को बोलिएगा हमसे बैठना है बाद में, आप पैसा कोयला में कमाए हैं, कोल इंडिया का 8वां यूनिट है, 8वां यूनिट का नाम गिना दीजिए। अरे हमको विश्वास है कि गिनाने के बाद भी नहीं गिना पाएगा, चलिए गिना देते हैं। बीसीसीएल, सीसीएल हेडक्वार्टर रांची, फुल फॉर्म बता देते हैं क्योंकि कोयला का बात होना चाहिए। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सीसीएल यानी सेंटर कोल फील्ड्स लिमिटेड, ईसीएल ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर विशेरगढ़ बंगाल।
एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड हेडक्वार्टर सिंगरौली मध्य प्रदेश, डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड हेडक्वार्टर उड़ीसा, एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हेडक्वार्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़, 700 यूनिट कोयला कोड़ती है। एक बार सीएम सेंटर माइन सीएमपी प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर रांची, जिला अध्यक्ष को बोलिएगा 800 यूनिट का नाम बताए, फूल फॉर्म मत पूछेगा, धुआं निकल जाएगा, जाने वो बता देगा हम डिलेट करेंगे। बताए वो जिला अध्यक्ष हमार से होकर जलन देगा, अरे जलना था तो आप बीजेपी आपका विरोध में बीजेपी को बोलिए, जलन के कारण है ये लड़का फेल है, सबको अपने जैसा बना देता है। सुग्रा सुग्रात के 20 के प्याला पिया काला लेता है ना, प्रत्येक नौजवान क्यों लड़ा ले सिखवा वाला है, सवाल करे सिखवा वाला। तो आज जितना भी रामगढ़ के साथी हैं बोलिएगा रामगढ़ का जिला अध्यक्ष को कि गनी माते हेमंत जी से जिला अध्यक्ष है, मैं तो उन्हीं का गांव का गोतिया भयाद लोग से हजार को आदमी से पैसा ठका है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख लाठी लेके खोज रहा है। बोलिएगा 800 यूनिट का फुल फॉर्म और नाम बता देगा, हम डिबेट करेंगे। अच्छा थोड़ा सा दीदी बैठो, क्योंकि आज कुछ दिन बाद कर्म पर्व है, आज विश्वकर्मा है कहीं, तो जे जे लोग विश्वकर्मा कर ले अपनी के शुभकामना, आज जे जे कर्म वाला है का अपनी के कर्म जो है। अच्छा कितना जो है कर्म करा, हाथ खड़ा करिए, हमको मरवाना है बेटा, लगे तो हम कर देते हैं।